संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, समिति से मिली मंजूरी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू हेल्प में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के बारे में। दोस्तों संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के बारे में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, इसमें आपको वीडियो में आगे जानकारी देने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से कैटेगरी के कर्मचारी शामिल किए गए हैं और दोस्तों ये खबर किस विभाग की है, किस राज्य से है और यहाँ पर समिति ने क्या मंजूरी दी है, आगे वीडियो में आपको पूरी जानकारी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे चैनल पर संविदा कर्मचारियों से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है अपडेट। तो दोस्तों हम आज के उस अपडेट की तरफ, राज्य सहकारी बैंक में काम कर रहे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के संविदा कर्मचारियों को रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित किया जाएगा। बैंक के अध्यक्ष रावत ने बताया कि इसके लिए प्रबंध समिति से मंजूरी मिल चुकी है, एजीएम में भी सदस्यों ने इस पर सहमति जताई। इसके अलावा प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक का कॉरपोरेट ऑफिस बनाया जाएगा। सोमवार को हल्द्वानी में हुई 15वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक एजीएम में बैंक अध्यक्ष दान सिंह रावत ने इसकी घोषणा की, साथ ही वहां बैंक की शाखा और अतिथि गृह बनाने का भी ऐलान किया गया। प्रबंध समिति ने रावत के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए सहमति जताई। बैंक के अध्यक्ष दान सिंह रावत ने कहा है कि गैरसैंण के विकास और जनता तक सुविधा पहुँचाने की दृष्टि से वहाँ बैंक शाखा खोली जाएगी। अभी बैंक का मुख्यालय हल्द्वानी में है, कहा कि प्रदेश की राजधानी होने के चलते देहरादून में बैंक का कॉरपोरेट ऑफिस संचालित होता है। कहा अब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है तो काम संचालित करने के लिए वहां भी एक दफ्तर खोला जाएगा। इसके लिए जमीन के संबंध में सरकार के समक्ष प्रस्ताव भी रखेंगे। बैंक में 2019-20 के वास्तविक आय व्यय और शुद्ध लाभ समेत अन्य 9 प्रस्तावों को प्रबंध समिति ने ध्वनिमत से पारित किया। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 और आगामी वित्तीय वर्ष 21-22 के अनुमानित आय व्यय पर सहमति बनी। बैंक ने आगामी वित्तीय वर्ष के 305 करोड़ आय और 20.23 करोड़ रुपए मुनाफे का लक्ष्य तय किया, जबकि 273.17 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। इस दौरान बैंक प्रबंध निदेशक बीएम मिश्र, बैंक उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद कुकरेती, राज्य सरकारी परिषद के उपाध्यक्ष हयात सिंह मेहरा, अमित चौहान, किरण नेगी, गीता रावत, रमेश चंद्र, जनक सिंह महाप्रबंधक एनपीएस ढाका, कर्णविष्ट मुकेश महेश्वरी आदि मौजूद रहे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, यह जो अपडेट है दोस्तों उत्तराखंड से निकल कर आ रही है। उत्तराखंड में जो राज्य सहकारी बैंक में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित किया जाएगा। इसके लिए प्रबंध समिति से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर संविदा कर्मचारियों से रिलेटेड कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।